जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत, आप लोग खिदमत में हाजिर हूं। डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज देखी होंगी जिसमें मैंने इंडिकेटर के ऊपर सिखाई आप लोगों को, ठीक है, जिसमें 200 का और 20 का मूविंग एवरेज है। और उसके अलावा काफी स्ट्रेटेजीज और भी थी जो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर उसको देखें। लेकिन स्ट्रेटेजी कब प्रॉफिटेबल बनती है वो मैंने आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दी होगी, आप लोग उसको भी लाजमी देखें ताकि आप लोग कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ रहे हैं आपको वो अप्लाई करनी आनी चाहिए। आप लोग तब प्रॉफिटेबल बनेंगे जब आपको उसका अप्लाई करने का मेथड ओरिजिनल वे में पता होगा। अगर आपको ओरिजिनल वे में नहीं पता कि आप लोगों ने उसको अप्लाई कैसे करने, आप लोगों को स्ट्रेटेजी का भी पता होगा, आपको मार्केट का भी पता होगा, आपके अकॉर्डिंग मार्केट भी सही मूव करेगा, फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कि आप लोग प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को किस तरह से लॉट कर सकते हैं। सिर्फ इसके चार स्टेप है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन एक तो आपके पास सिंपल प्राइस एक्शन है जिसमें आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना, ट्रेंड को ट्रेड करना, चैनल को ट्रेड करना, बेयरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, वो चीज है। लेकिन आज जो चीज मैं लेके चलना चाहूँ प्योर प्राइस एक्शन है, प्योर एसएमसी है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। सिंपल, आप लोगों ने सबसे पहले मार्केट में अपना स्ट्रक्चर मार्क करना है। मार्केट में क्या करना है, स्ट्रक्चर मार्क करना है। इसको ना मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले आप लोगों का स्ट्रक्चर होगा, फिर आप लोगों का पीओआई होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर आप लोगों की एग्जीक्यूट होगी ट्रेड, और फिर आप लोगों का रिजल्ट होगा। सिर्फ चार टॉपिक है इसके, स्ट्रक्चर, पीओआई, उसके बाद आप लोगों का भी जो सिंपल है एग्जीक्यूट है ट्रेड की, और उसके बाद आप लोगों का कि आप लोगों ने रिजल्ट क्या अखज किए। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पे मेरे स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, ये मैं यहाँ पे गोल्ड के पेयर पे करूं, आप गोल्ड पे करें, फॉरेक्स में पे करें, क्रिप्टो पे करें, स्टॉप स्पॉट के लिए करें, कुछ भी करें, स्ट्रक्चर आप लोगों को मार्केट का निकालना आना चाहिए। नहीं निकालना आता, सिंपल मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे जाके सीख लें कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर कैसे निकालना है और किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओरिजिनल वे में स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, स्मार्ट मनी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। जब आप लोगों का स्ट्रक्चर निकल आता है, ठीक है, अब ये देखें मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट ने हायर हाई हायर लो फॉर्म की है। ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई, ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर लो। इसी तरह अगर मैं ऊपर देखूं, ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई, ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर लो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ बेसिक आप लोगों के पास क्या है। मार्केट जब भी ऊपर जाती है, मार्केट कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है, मार्केट ने क्या करना है, ये गई मार्केट, ठीक है। अभी मार्केट का जो यहाँ पे हिस्सा हुआ है आप लोगों के पास क्या हुआ, ये बॉस हो गया। क्या हो गया, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों का कब होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। दो पॉइंट है आपके, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, मैं दोनों को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। एक ये पॉइंट है आप लोगों का और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट किया। मैं ड्रॉइंग में आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूंगा, आप लोगों ने जस्ट कोशिश करना है टाइम देने चीजों को। जब चीजों को टाइम देना स्टार्ट करेंगे आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्द बन जाएंगे। मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है। जब दो हायर हाई बन जाए, ये भी आपके पास हायर हाई है और ये वाला लेवल भी आपके पास क्या है, हायर हाई है, ठीक है, इसको मैं हायर हाई डिनोट कर रहा हूँ, और ये आपके पास क्या हो गया, हायर लो हो गया। अब मार्केट क्या शो करवा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में, दो मार्केट ने हायर हाई बना दिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में है फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कोई भी लेवल ड्रॉ करने हैं, यहाँ से कोई भी लेवल्स नहीं कॉल है, हमारे पास ये हो गया, यहाँ पे कोई एवरीजी हो गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई ऑर्डर फ्लो हो गया, यहाँ से हमने बाय करके सिंपल इसको होल्ड करना है। अब पहला क्या था, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कब होगा, जब मार्केट में आपको दो हायर हाई नजर आए, वेरी सिंपल, ठीक है। मार्केट में जब दो आपको हायर हाई नजर आए, ये देखें आपका ना मार्केट में हायर हाई था, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, और ये क्या था, हायर लो था। अब बीच में छोटी मूव बनी है ना, इन मूव को हम काउंट नहीं करते क्योंकि हमारी इंड्यूसमेंट, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें होती हैं। अगर आपको नहीं पता, मैंने बोल दिया कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो देख ले मेरी, ये स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर आप लोग बाय राहिल राजपूत सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। इसके बाद अब जब मार्केट ने दो हायर हाई दे दी, आपने सेटअप एक्टिव करने बाय के लिए, ठीक है, बाय के लिए जब सेटअप एक्टिव करेंगे आप, तो आप लोगों ने देखना है कि आप इस वेव में मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन करने के नीचे आने देना, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर नहीं चल जाएगी, मार्केट नीचे आएगी फिर यहां से प्रॉपर आपका जो एरिया बनेगा, ये एरियाज आपके बनेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने दो बात की, एक आपको बोला कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर निकालना है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपके, इस एरिया से इस एरिया तक आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आप लोग फिबोनाची लॉट कर लेते हैं। सिंपल, दो हायर हाई निकल आए, हायर लो निकल आया, हायर लो से यहां से यहां तक लॉट कर लें। अब ये जो भी एरिया बन रहा है 50% के नीचे वाला, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क कर लिया, मार्केट को उसमें आने का वेट करें। स्ट्रक्चर निकल आया,
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकला है। मार्केट को इसमें आने दें, जैसे ही मार्केट इसमें आएगी, इसमें आने के बाद आप लोगों ने प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देख लेने। फर्ज करें मार्केट इस जगह पे आती है, मैं यहाँ पे इसको ना ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास मार्केट के पॉइंट आपके ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये एरिया बन रहा था, और इस जगह पे आके मार्केट ने शॉर्ट टाइम फ्रेम में, अगर आपका एनालिसिस है M15 का, इंटरडे ट्रेड कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे कम अज कम M5 में या M3 में, M3 बहुत बड़ा उसके लिए, ठीक है, यहाँ पे आके आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल जाए। सॉरी ये मैंने रॉन्ग सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से ना वही दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट हुई, वेरी सिंपल, दो हायर हाई थे, हमने बाय करना था अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से करना था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट टैप की, मार्केट ने क्या किया, हायर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको जो माइनर टाइम फ्रेम में आपका स्ट्रक्चर चल रहा था उसको यहाँ पे तोड़ा, मार्केट नीचे आई, यहां से हम लोग बाय करेंगे और सिंपल यहां तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ये स्ट्रेटेजी हमारी बाय ट्रेंड के लिए, इसी को मैं सेल में भी कन्वर्ट करके अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, और इसी को फिर हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी इसको हम सेल ट्रेंड में देख लेते हैं, सेल ट्रेंड में आप लोगों के लिए किस तरह से काम करेगी ये, जस्ट आप लोग अगर चाहें तो इसको उठा के उल्टा कर दें, या मैं यहाँ पे नया ड्रॉ कर लेता हूँ, वेरी सिंपल, हम यहाँ पे नया ड्रॉ करते हैं अपना सेल स्ट्रक्चर, और उसके बाद मार्केट सेल में कब होगी, मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट टेक की, इंड्यूसमेंट टेक करने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से आई और मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने दोबारा पुल बैक ले लिया, ठीक है, वही चीज है सेल में मार्केट जा रही है। अब आपको कंफर्म कैसे होगा आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्या चीज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपके पास दो चीजें कंफर्म होती हैं, पहली चीज आपके पास क्या कंफर्म होती है, आपका ये लोअर लो था, क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ले ली है, उसके बाद ये आपका लोअर हाई बन गया और फिर आपके पास दो लोअर लो। जब आपके पास दो लोअर लो बन जाए आपने सेल के लिए एक्टिव होना है, जब दो हायर हाई बन जाए आपने बाय के लिए एक्टिव होना है स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बाद आपने निकाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पहला क्या था स्ट्रक्चर, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आपने वेट करने ट्रेड एग्जीक्यूट का, फिर रिजल्ट का, वेरी सिंपल, चार स्टेप के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिबोनाची लॉट करनी है, फिबोनाची लॉट करने के बाद, सॉरी मैं यहां से फिबोनाची लॉट कर देता हूं। अब फिबोनाची लॉट करने के बाद मेरे पास जो मेरा सेलिंग एरिया बन रहा है वो इस 50% के ऊपर है, 50% से ऊपर ऊपर मेरा सेलिंग एरिया, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकला है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा क्या है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं फिबोनाची को रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद अब मार्केट जैसे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाती है, मार्केट ने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाना है, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाने के बाद मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी जगह किसी भी लेवल पे मार्केट मुझे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है माइनर टाइम फ्रेम में, किसमें, माइनर टाइम फ्रेम में। आपका अगर 15 मिनट पे एनालिसिस है दो लोअर लो, 15 मिनट पे निकाले आपने, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे या 5 मिनट पे, 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पे रखें, आप लोगों ने देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे जब ऊपर जा रही है मार्केट कुछ इस तरह से बनाती हुई जा रही है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ऐसे, ठीक है। जैसे ही आपको इस तरह का सीन यहाँ पे नजर आए आपने यहाँ से सेल कर देना है, स्टॉप लॉस उसके ऊपर छोड़ देना है, वेरी सिंपल, और यहां से आप लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देनी है, और नेक्स्ट आप लोगों का टारगेट ये वाला एरिया होगा। इस तरह से आप लोगों ने मार्केट को रीड करके चलना है, ये हमारा डाउन ट्रेंड में। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, सबसे पहले हम चार्ट के ऊपर चीजें सीखेंगे कि मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है नहीं करती, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट में मुझे दो डाउन ट्रेंड नजर आए हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये लोअर लो है और ये लोअर लो है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फिबोनाची को ताकि चीजें क्लियर हो जाए थोड़ी सी। ये लोअर लो था, इंड्यूसमेंट ली थी, मार्केट ऊपर गई, और ये लोअर लो था, ये देख लें, ये लोअर लो डीप आके बना था क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओवर रूल्स लोअर लो यही था, ये हमारे पास कोई भी लेवल नहीं था, ये लोअर लो था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मूव क्रिएट की लोअर लो के लिए, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल देखा कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। अगर आप इसको फिबोनाची लॉट करके देख लें, ये फिबोनाची लॉट करके 15 मिनट में मैं कर रहा हूँ सिंपल, ये असल मैंने यहाँ पे 1 मिनट की ड्राइंग भी की हुई, मैं इसको रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टेक की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट नीचे आई और दोबारा मार्केट आपके उसी एरिया में,
उस एरिया से आपने क्या करना है, सेल करना है। वेरी सिंपल, इस एरिया में कहीं भी हमारा माइनर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मिलेगा हम सेल कर देंगे। ये सेलिंग के लिए, अगर मैं आपको बाइंग का भी दिखा पाऊं तो मैं यहाँ पे आपको बाइंग का भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बाइंग का भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। चलते हैं बाइंग के ऊपर। बाइंग के लिए हमारा क्या था स्ट्रेटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने दो हायर हाई कन्फर्म करने, क्या करने है, दो हायर हाई कन्फर्म करने। जैसे ही दो हायर हाई कन्फर्म होंगे हम चले जाएंगे अपने बाय एंट्री के सेटअप के लिए और फिर हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, पीछे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड चल रहा था। वेरी सिंपल, अब ये देखें मार्केट में ये क्या था आपके पास, बॉस मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने ये बनाया हुआ था और यहीं पे इंड्यूसमेंट बनाई थी। उसके बाद मार्केट ने बॉस दिया, ये देख लें दो आपके पास हायर हाई कन्फर्म हुए, हायर लो आया, यहां से यहां तक फिबोनाची लॉट करनी है और इसके 50% एरिया के नीचे यहां से हमने क्या करना है, बाय का सेटअप प्ले करने और मार्केट को ऊपर जाने देने। ये स्ट्रेटेजी है, वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है। आपको बैक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। बैक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मार्केट में स्ट्रक्चर निकालें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, उसके अलावा एंट्री लगाएं, एग्जीक्यूट कर दें, ट्रेड को छोड़ दें, रिजल्ट आने दें। दैट्स इट, ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी जिसमें हमने रियल वे में सीखा कि प्राइस एक्शन को हमने कैसे ट्रेड करना है। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। उम्मीद को तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई अगर 1% भी वैल्यू एड की आपकी लाइफ के अंदर, ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, आपने कमेंट बॉक्स में जाके लाजमी बताना है। किसी चीज की समझ नहीं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग इसको रियल वे में सीखना चाहते हैं, पूरी स्मार्ट मनी को सीखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लेना, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शोर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो हम याद रखेगा आपको राहुल राजपूत, अल्लाह हाफिज।